सुमेरपुर के स्टेशन मार्ग में अनियंत्रित कार से बाल बाल बचे लोग। कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित एक नर्सिंग होम के बाहर रखे जनरेटर व खड़ी स्कूटी में एक चार पहिया वाहन ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। इस घटना में नर्सिंग होम के बाहर खड़े दो लोग बचने के चक्कर में मामूली चुटहिल हो गए। उधर जनरेटर व स्कूटी सहित टक्कर मारने वाली कार क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टर दिनेश वर्मा के नर्सिंग होम के बाहर खड़े एक कर्मी ने बताया कि स्टेशन मार्ग में जा रही अनियंत्रित कार पर चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद हुए सुलह समझौते के बाद कार चालक द्वारा जनरेटर व स्कूटी क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत करवा देने की बात मान लेने से पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। सुमेरपुर कस्बा इंचार्ज रावेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें मिली है, यदि तहरीर दी जाएगी तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से अवधेश कुमार राजपूत की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र सिंह परिहार। जी बताएं। मेरा नाम स्वतंत्र सिंह परिहार है और मैं चांद चौक का निवासी हूँ। डॉक्टर दिनेश वर्मा के अस्पताल में कार्यरत हूँ। जी, डॉक्टर दिनेश वर्मा के कार्यकाल में ड्यूटी करते हुए आत्मजीत मेडिकल स्टोर के सामने मैं खड़ा था। जी, गाड़ी ने 70-80 की स्पीड में गाड़ी आई। जी, गाड़ी खंभा तीन सेट में खंभा खड़ा था, उसी खंभे के चलते खंभे में ठोकर लगकर गाड़ी टर्न हो गई, नहीं तो गाड़ी सीधे मेरे ऊपर आ गई। क्या किसी को चोट है या किसी का हाथ? चोट है हल्की सी। अब हम लोग खड़बड़ा के, जैसे गाड़ी आई वैसे हम लोग खड़बड़ा के गिर गए, तो हल्की चोट है। कोई गंभीर? हाँ, चोट? गंभीर कोई चोट या कोई यातायात कोई किसी परिवारी से नुकसान? दो ही लोग थे, हम और आतम। यातायात का नुकसान? आतम मेडिकल स्टोर और हम, दो ही लोग थे।